ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ब्राइटनेस की बताने की जरूरत नहीं है। का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारे बुलाने पर एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए सारे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दाईं ओर हमारे बीच में हमारे कठुआ ज़िला के रहने वाले आदि गोस्वामी गौतम जी हमारे बीच में है, उनके साथ हमारे सहायक वेलफेयर ट्रस्ट के सारे मेंबर हरजिंदर जी, अनिल जी, रॉकी जी, मोफिल जी, कुमिल जी, हम सब ने एक बीड़ा उठाया। यहाँ पर पहले चंडी माता का जागरण हुआ करता था, लेकिन हमने सोचा कि चंडी माता के जागरण के साथ साथ कुछ ऐसा किया जाए ताकि सनातन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो हमने ये वीडियो उठाया कि इस बार हम हनुमान चालीसा का प्रचार करेंगे। 19 सितंबर को हमने ये पाठ शुरू किया था, 29 अक्टूबर को 40 दिन होंगे और इन 40 दिनों के अंदर हम 11,000 हनुमान चालीसा की पुस्तक बांटेंगे, गाँव गाँव जाकर बांटेंगे। जितनी भी यहाँ पर रामलीलाएं हो रही हैं वहाँ जाकर हनुमान चालीसा बांटेंगे और ये आग्रह करेंगे कि हनुमान चालीसा को नित्य दिन रोज अपनी ज़िंदगी में उतारें, इसको पढ़ें। हनुमान चालीसा के पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी हनुमान चालीसा से पढ़ने से बदल सकती है। हनुमान जी स्वयं अपने आप में एक बुद्धिमान और बहुत ही बलशाली व्यक्ति थे और जबकि जो जिम वाले लोग हैं, कसरत वाले लोग हैं, वो भी हनुमान जी को फॉलो करते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमने चाहा कि हनुमान चालीसा का प्रचार करेंगे, हमने ये संकल्प लिया कि 1,00,000 हनुमान चालीसा की किताबों को हम कठुआ शहर में बांटेंगे, लेकिन इस बार हमने 11,000 का लक्ष्य दिया है। इस हनुमान चालीसा का प्रचार करेंगे और हनुमान चालीसा की किताबें बांटेंगे और इन 40 दिनों के अंदर 26, 27 और 28 को राम कथा का आयोजन किया जाएगा जिसमें स्वामी जी राम कथा का आयोजन करेंगे और 29 अक्टूबर को जहाँ जहाँ हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ शहर गाँव में वहाँ से सारी टोलियाँ हटली मोड में आकर एकत्रित होंगी और जो लक्ष्य है कम से कम 10,000 लोगों के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ किया जाएगा और हनुमान जी की अद्भुत झांकियाँ यहाँ पर दिखाई जाएंगी और उसके बाद माँ चंडी का गुणगान होगा और माँ चंडी का जागरण किया जाएगा। और उस जागरण के दिन बहुत ही दो छोटे बालक हैं, बहुत ही भारत में फेमस हैं, वो जदुवंशी ब्रदर्स, वो यहाँ पर माता का गुणगान करेंगे, भगवान राम के भजन गाएंगे और हम सारे मीडिया के माध्यम से पूरे कठुआ को आग्रह करते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और 29 अक्टूबर को जो सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जाएगा उसमें शामिल हो ताकि सनातन क्या है, हनुमान चालीसा का जो सामूहिक पाठ है और हिंदुत्व की शक्ति का एक प्रदर्शन हम यहाँ पर करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करूँगा कि आप सब लोग 29 अक्टूबर रात्रि 9 बजे यहाँ पहुँच कर माँ माई का गुणगान करें और सामूहिक हनुमान चालीसा में हिस्सा लें। इसी के साथ मैं स्वामी गौतम जी से आग्रह करूँगा कि आगे की जो भी बात है वो स्वामी जी रखें। नय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। यहाँ पे दिव्य हनुमान चालीसा का नित्य रोज अनुष्ठान रूप में पाठ चल रहा है और हनुमान चालीसा एक आप में ही सिद्ध एक ग्रंथ है जिसको पढ़ने मात्र से भूत प्रेत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री महावीर का नाम उच्चारण करने मात्र से दुनियादारी के दोषों को समाप्त करने वाला ऐसा प्रारब्ध हनुमान चालीसा में है और ऐसा दिव्य पाठ यहाँ पे निरंतर चल रहा है और राजेश मेहता जी एवं इनके समस्त जो टीम है इसमें अग्रसर होकर अपना तन मन धन से अपना समय देकर के इस दिव्य कार्यक्रम को जन जन में पहुँचाने की प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी तो यहाँ पे खाली हनुमान चालीसा ही नहीं, यहाँ पे भगवान श्री राम का कथा का भी आयोजन यहाँ पे 26 से लेकर 28 तक हो रहा है और 29 तारीख को जागरण का जो विशेष चर्चा यहाँ पे राजेश मेहता जी ने आप सभी को श्रवण करवाया। मैं चाहता हूँ कि जब ऐसा दिव्य सनातनी और हिंदुत्व का अग्रसर के लिए कार्य हो तो हम सभी को अपना जात पात एवं राजनीतियों को परे करके हम सबको एकजुट होना चाहिए और कठुआ में सब लोग बटे हुए हैं,
कोई राजपूत सभा बना करके अलग से बैठे हैं, कोई ब्राह्मण सभा बना करके अलग से बैठे हैं। हम सभी को ऐसी सभाओं में बंटना नहीं है, हम सभी को सनातन के लिए एकजुट होना है। यानी कि कोई पॉलिटिक्स पार्टी का भी मैं कहना चाहूँगा कि जब धर्म की बात आती है, जब सनातन की बात आती है, जब हमारे गांव, शहर, स्टेट की बात आती हो, तो हम सभी को एकजुट होना चाहिए। और जो ये कार्य यहाँ पे हो रहा है, ये भाई बंधु जो कर रहे हैं, इनकी मैं जितनी सराहना करूँ उतना कम है। और ऐसे दिव्या कार्यक्रम करने वाले वीरों के लिए आप अपना कीमती समय निकालें और उनकी साहस को बढ़ाएं, और हम सबको ये राजनीति से परे होकर के सनातन के लिए एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जो ये डेट है 26, 27, 28 और 29 का, ये डेट आप सभी याद रखें और उस तिथि के दिन यहाँ पर पहुँच करके इस दिव्य सनातनी हिंदुत्व कार्य को सफल बनाएं और इसकी आगाज जन जन तक पहुँचाएं। मैं ये कहना चाहूँगा।